दोस्तों आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग ही नहीं काफी अलग भी होने वाला है। इस वीडियो में हम मशीन नहीं बल्कि ऐसे इंसान दिखाएंगे जो किसी मशीन को भी काम करने में पीछे डाल देंगे। दोस्तों इस वीडियो के बीच में आपके लिए सरप्राइज है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में हमें काफी मेहनत लगती है, तो प्लीज इसे एक लाइक करके हमें जरूर सपोर्ट करें। दोस्तों ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। नंबर एक पर है रोटी मेकिंग। दोस्तों आपने रोटी बनाने वाली मशीन देखी होगी, पर क्या आपने किसी व्यक्ति को इस तरह रोटी बनाते हुए देखा है? इनकी परफेक्शन तो यार किसी मशीन से भी ज्यादा है। एक तरफ ये व्यक्ति रोटी बेलकर फेंकता है, वहीं दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति उसे काफी सटीकता से पकड़ता भी है। और इसी करतब को देखने के लिए इनके होटल पर भी काफी भीड़ लगी होती है। अब इन जनाब के स्किल्स को देखिए, किस तरह पहले तो इन्होंने सारी रोटियों को आधा तवे पे सेक लिया और बाद में एक एक करके उन्हें फ्लेम में सेक रहे है। पहली वाली रोटी सही समय पर गैस से हटती है और दूसरी बिल्कुल सही समय पर गैस पर आती है। इसे देखकर साफ पता चलता है कि इन स्किल्स को सीखने के लिए कई सारे साल निकल गए होंगे। अगले नंबर पर है चाय। दोस्तों हमें आम चाय कैसे बनती है ये तो पता है, पर चलिए जानते हैं कि कलकत्ता की स्पेशल मलाई चाय को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले कांच के ग्लास को एक लाइन में लगाया जाता है। अब सबके अंदर दो दो चम्मच चीनी डाली जाती है। चीनी डालने के बाद अब उसमें खास उबलता हुआ दूध डाला जाता है। जब एक जन दूध डालता है, वही दूसरी तरफ दूसरा जन शक्कर और दूध को मिक्स कर देता है। पहले तो चाय को एक मग में डाला जाता है जिससे झाग बनता है। अब धीरे धीरे चाय को इन कप्स में डाला जाता है। सब में चाय डालने के बाद अब इन कप्स में दूध डालकर इन्हें भरा जाता है और इन्हें कस्टमर को सर्व किया जाता है। अगले नंबर पर है फायर हेयर कटिंग। दोस्तों जब आप किसी नाविक के पास जाते होंगे तो आपके बाल सिर्फ कैंची और कंघी से ही काटे जाते होंगे, पर हेयर कटिंग की एक स्टाइल ऐसी भी है जिसे फायर हेयर कटिंग कहा जाता है। ये व्यक्ति इस तरह बाल काट रहा है जैसे कि हम तवे पर रोटियां सेकते हैं। नंबर चार पर है फास्टेस्ट पकोड़ा मैन। दोस्तों आपको पकोड़े खाना तो काफी पसंद होगा और शायद आपने इन्हें बनाते हुए भी देखा होगा, पर क्या आपने कभी किसी को इतने सटीकता से बनाते हुए देखा है? थोड़ी देर के लिए तो इन जनाब का हाथ तेल में ही चला जाता है। सच में इनके स्किल्स के लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। नंबर पांच पर है गोला। दोस्तों आपने काफी सारे बर्फ के गोले खाए होंगे, पर क्या आपने कभी इतना बड़ा बर्फ का गोला खाया है? नंबर छह पर है आइसक्रीम कोन। दोस्तों आपका आइसक्रीम वाला आपके आइसक्रीम पर कितने स्कूप डालता होगा, दो या फिर तीन? पर जो व्यक्ति हम आपको दिखाएंगे उसने एक कोन पर पूरे 100 स्कूप डालकर पूरे दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, लेकिन इसे सही तरह से रखना सच में काफी चैलेंजिंग टास्क है। नंबर सात पर है फ्रूट आइसक्रीम। दोस्तों ये जनाब लोगों के सामने फ्रेश फलों से आइसक्रीम बना रहे हैं। इनके काम को देखकर आप जरूर हैरान हो जाओगे
और इस आइसक्रीम से आपके मुंह में जरूर पानी आ जाएगा। नंबर 8 पर है बर्गर मेकिंग। दोस्तों बेशक आपने मैकडी और केएफसी के बर्गर खाए होंगे, पर जो खुशी उसे सामने बनते वक्त होती है वो इन बड़े बड़े मॉल्स में कहा। और जरा इन जनाब की स्पीड तो देखिए दोस्तों, इनके लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों अब से हम हर एक वीडियो के अंत में 3 नहीं बल्कि 4 लकी विनर्स को शाउट आउट देंगे, तो प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में अच्छी सी कमेंट करना मत भूलिएगा। नंबर 9, काउंटिंग मनी फास्टर देन मशीन। दोस्तों जो लोग हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो पैसे किसी मशीन से भी ज्यादा तेज गिनते हैं। अब हम आपको भारत के एक ऐसे जन की खुली रह जाएगी। अगले नंबर पर है भारत के ऐसे जनाब जो आंखों पर रुमाल बांधकर भी किसी मशीन से तेज प्याज को काट सकते हैं। क्या आप में है ऐसा कोई हुनर? अगले नंबर पर है जापानीज शेफ। इनके हाथों के कमाल के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। ये अपने स्किल से अलग अलग चीजों को काट कर उनके काफी इंटरेस्टिंग शेप्स बनाते हैं। अगले नंबर पर है जापानीज मोची। दोस्तों ये एक ऐसी डिश है जिसे जापान में हाथों से बनाया जाता है। इसके लिए आटे को एक लकड़ी के हथौड़े से भुना जाता है, पर इस आटे को बार बार पलटी करना पड़ता है। इसके लिए एक व्यक्ति हाथों से इसे पलटी करता रहता है और दूसरा व्यक्ति हथौड़ा मारता है, पर बाद में इनकी स्पीड बढ़ जाती है। यदि यह हथौड़ा इनके हाथ पर लग जाएगा तो काफी गहरी चोट आ सकती है, पर सालों की मेहनत और प्रैक्टिस के कारण इनके लिए ये काफी आसान हो गया है। अगले नंबर पर है टाकोयाकी। दोस्तों टाकोयाकी जापान की काफी फेमस डिश है और यहाँ के लोग इसे हद से ज्यादा पसंद करते हैं। जब शाम के वक्त ऑफिस की छुट्टी होती है तब लोग इन्हें हजारों की क्वांटिटी में खाते हैं। ऐसे वक्त में इन्हें बनाने वालों को काफी तेजी से काम करना पड़ता है, और इन लोगों को देखकर लगता है कि इन्होंने इस काम को काफी खूबी से परफेक्ट किया है। भाई साहब, इन जनाब की नारियल को काटने की टेक्निक को देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। क्या आपने कभी किसी फल वाले को इतनी खूबी से फल काटते हुए देखा है?
अगले नंबर पर है फिश कटिंग स्किल्स। दोस्तों मछली काटना कोई आसान काम नहीं है, पर ये जनाब बड़ी बड़ी मछलियों को सिर्फ कुछ चंद मिनटों में ही काट देते हैं। अगले नंबर पर है एक ऐसी अजीब डिश जिसे देखकर आपके मुंह में पानी जरूर आ जाएगा। दोस्तों क्या आपके पास भी कोई ऐसा स्किल है जिसके कारण आप मशीन से भी ज्यादा स्पीड में काम कर सकते हो? यदि हाँ तो कमेंट में उसे जरूर बताइएगा। दोस्तों क्या आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं? ये भी हमें कमेंट में बताइए। हमने इस बार कुछ अलग ट्राई किया है, यदि आपको ये पसंद आया तो हमें लाइक करके इसे जरूर सपोर्ट करिए। मैं मिलता हूँ ऐसे ही और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लो। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना।